अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट स्वेप जट, और क्रिकेट का एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। कोविड क्राइसिस के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता मैदानों में क्रिकेट वापस आ रही है। पाकिस्तान शाहीन जो हैं वो इस टाइम दौरे इंग्लैंड पे मौजूद हैं। पहले उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा किया और उसके बाद अब डर्बी में बाकायदा तौर पर क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस के बाद असल एक्शन शुरू होगा, इसलिए जब क्रिकेट का एक्शन होना है तो क्रिकेट के स्टार्स हमारे साथ होने चाहिए। और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। लाहौर से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शो में वेलकम करेंगे। यूसुफ भाई, बहुत सारी आपसे बातें करनी है। आप जैसा स्टार जब सामने आता है तो बहुत सारे सवाल भी होते हैं, बहुत सारी यादें भी होती हैं, बहुत सारी सजेशंस भी होती हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी के लिए किस तरह आगे जाना चाहिए। दौरा इंग्लैंड पे भी बात करेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स पे भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट थोड़ा सा अच्छी यादों से कर लेते हैं, माजी की। रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद पाकिस्तान को कोई इतनी तेज़ी से रन्स बनाने वाला नहीं मिला। ऑल्दो आपके साथ यूनुस परफॉर्म करते थे, वो होते थे, लेकिन नया कोई ऐसा नहीं मिला जो तेज़ी से रन बटोरे सवाए बाबर आजम के, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम बहुत स्पीड से रन्स कर रहा है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और जो दूसरी बात आपने की, कभी और नहीं मिल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आगे भी प्लेयर अच्छे मिलेंगे। काफ़ी बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर, जो भी क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, पहले जैसी हो, जैसे पहले होती थी, 90s में होती थी, 80s में होती थी, ताकि हमारी टीम जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे दुनिया की हर जगह जाके। और इसके लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे बैट्समैन मिलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम हमें सिर्फ बैटिंग में ही आ रही है कि बॉलर्स कहीं ना कहीं से हमें कुदरती तौर पर कोई मिल जाता है, जैसे शहनशाह मिल गया है, नसीम शाह मिल गया है, अब्बास आ गया था, डेड विकटों पे उसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की शारजा में। ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई बॉलर हमें मिलते ही रहता है जो वर्ल्ड क्लास टाइप होता है, तो लेकिन सिर्फ बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी इसमें भी। यूसुफ भाई, आप ऐसा क्या कर लेते थे कि आपकी जो है वो बैटिंग में मुस्तकिल मिजाजी भी थी, एक ही कैलेंडर ईयर में आपने रिकॉर्ड भी बनाया ज़्यादा रन बनाने का, तो क्या आप करते थे जो हमारे बैट्समैन अब नहीं कर पा रहे बाबर के अलावा? नहीं, ऐसी बात नहीं, सब कोशिश कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखें, सारी चीज़ें जो भी है, मैं आप जो भी कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, ये हमें करनी चाहिए, इसमें तो हमें कमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ने ही करना है। जिससे अल्लाह चाहेंगे रन्स होंगे, जिससे चाहेंगे नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जितने भी टीम में बैट्समैन खेल रहे हैं, प्लेयर खेल रहे हैं, वो कोशिश ना कर रहे हों, मेहनत ना कर रहे हों, वो सारे कर रहे होंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमें बैटिंग में, लेकिन अगर आप देखें कि हमारे जो बाबर से पहले दो लड़के सीनियर खेल रहे थे, अज़हर अली और असद शफीक, इन दोनों ने आउटसाइड द कंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर असद शफीक का रिकॉर्ड देखें, इसने जहाँ भी जाके पहली सीरीज़ खेली है, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ जाके इसने सेंचुरियाँ की हैं। और अज़हर अली ने भी बहुत अच्छा खेला, अज़हर अली का तो मेरे सामने में हर डेब्यू हुआ था इंग्लैंड में, वो उसमें बड़ा अच्छा खेला था, उसके बाद भी उसने परफॉर्म किया। तो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अब यंग लड़के आए हैं जैसे आबद अली है, शान मसूद है, हारिस सुहेल है, हारिस सुहेल की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो लड़के आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इंशाल्लाह देखें आगे क्या होता है, कौन कितनी जल्दी इस पोजीशन पे आता है कि उनका नाम, जैसे बाबर आजम का एकदम पिछले 2-3 साल में वर्ल्ड लेवल पे आ गया, 5-6 जो टॉप प्लेयरों की बात होती है दुनिया में, उसमें उसका भी नाम आता है। क्या हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो शायद ही जीत सके दौरे इंग्लैंड में, टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने इंजमामुलक मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि भाई हम ये सोचे भी क्यों कि पाकिस्तान जो है वहाँ नहीं जीतेगा, हमें पक्का यकीन है कि पाकिस्तान जीतेगा। आपको कितना यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो दौरे इंग्लैंड में कामयाबी हासिल करेगा, या आपको लगता है कि रिज़ल्ट जो है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे? देखिए, अगर आप देखें अभी जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से जीता है, ये इसका मकसद है कोई भी जीत सकता है, कि इंग्लैंड की टीम में अब जो एंडरसन और ब्रॉड का जो वो होता था वो अब वो बात नहीं, क्योंकि पेस कम हो गई पिछले 4-5 साल में। अगर देखें लास्ट सीरीज़ हम खेले थे 2016 में, उसमें भी हम उनसे सीरीज़ ड्रॉ की थी हमने, उस वक्त भी ये दोनों, इन दोनों की पेस ही नहीं थी, ये दोनों वैसे लीथल रहे नहीं थे, वो बात नहीं रही थी इनमें।
अब आर्चर में है थोड़ा दम, लेकिन मैंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंग्लैंड फिर भी बेहतर नज़र आती है, लेकिन इंग्लैंड ऐसी एक जगह है कि जहां आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप 100 पे भी खेल रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं बड़ा सेट हूँ, मैं नहीं आउट हूँ। उधर एक मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती उधर। तो इंग्लैंड के बारे में कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो अभी वेस्ट इंडीज़ उनसे जीती है, इससे मेरा ख्याल है कि हमारे कैप में भी ये बात आई होगी कि हम जीत सकते हैं। और हमारी टीम में ऐसी बात नहीं कि नहीं जीत, क्योंकि बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। शहीन शाह बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, अगर आप उसकी देखें पिछले एक दो साल में जो उसने बॉलिंग की है। नसीम शाह यंग है, उसने पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उसमें बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, हैट्रिक भी की है, पेस से बॉलिंग कर रहा था। अब उसको साथ पाकिस्तान के रहते हुए 4-5-6 महीने हो गए हैं, उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, वो तगड़ा और तगड़ा हुआ होगा, ट्रेनिंग की होगी। और साथ अब्बास है, अब्बास ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंडीशन में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, बड़ा लीथल हो सकता है। और यासर शाह ने तो आप देखें, जो आपने 2016 में दो टेस्ट मैच जीते थे उन दोनों में उसने 10-10 विकेटें ली थी। तो यासर शाह की हमारी बॉलिंग पूरी है, ज़बरदस्त बॉलिंग है। वहाब रियाज भी साथ गया हुआ है, पेस अगर आप देखें 150-145 वो बॉलिंग करता है। और बैटिंग में असद शफीक और अज़हर अली ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दी हुई है इंग्लैंड में, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। अज़हर अली ने लास्ट ईयर काउंटी भी खेली, पूरा सीज़न खेला है, उसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। बाबर आजम ऑलरेडी टॉप फॉर्म में चल रहा है। और ये जो दो शान मसूद और आबद अली हैं, इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2-4 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान में हुए हैं, इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हारिस रेल भी साथ गया हुआ है। तो हमारा ये देखा जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है यंग और सीनियर प्लेयर का मिला के, अच्छी टीम एक बनी हुई है पूरी। मुझे लगता है कि देखिए रियलिस्टिक तो मैं ये कहूँगा कि एक होम एडवांटेज तो होता है होम टीम को, लेकिन वो जो अभी मैच आ रहे हैं उससे वो थोड़े से डिमोरलाइज हुए होंगे और हमारी टीम को थोड़ा बूस्ट मिला होगा। तो मेरा ख्याल है कि सीरीज़ अच्छी होगी और उम्मीद यही करता हूँ जो टीम अच्छा खेले वही जीते, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं कि पाकिस्तान जीते। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों को क्या करना होगा कि वो वहाँ पे विकेट पे रुक सकें? आप खुद कह रहे हैं कि 100 पे भी वहाँ आप जो है वो श्योर नहीं होते कि आगे आप आसानी से खेल लेंगे, तो फिर भी कोई एडवाइस तो होगी। ऑल दो कि वहाँ पे यूनुस जैसा अजीम बैट्समैन मौजूद है जो उनको बता रहा होगा, लेकिन आप खुद ज़ाहिर है लॉर्ड्स में 200 करना कोई आसान बात नहीं होती। खुद आप क्या समझते हैं कि हमारे बैट्समैनों ने क्या वहाँ पे करेंगे तो ही बड़े स्कोर लगाएंगे ताकि हमारी बॉलिंग जो है उनको आउट कर सके? देखिए एक चीज़ तो है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ और मैं करूँगा, ये तो है ही है। आप खेलने पाकिस्तान टीम में आए, इसमें अच्छे हैं तो पाकिस्तान टीम में आए, तो ये तो करना ही करना, अपने पे फुल कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी मेहनत कोशिश ये भी करनी है। बाकी ये कि उधर थोड़ी सी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि लेट स्विंग हो जाता है बॉल, वहाँ किसी टाइम बॉल लेट स्विंग होता है, बाज़ का देखें कीपर के पास जाके भी एकदम बॉल स्विंग हो जाता है। तो लेट खेलने की कोशिश करें, जल्दी ना करें, बॉल को अपने पास आने दें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बोल सकते हैं, करना प्लेयर्स नहीं है। जैसे यूनुस गया, यूनुस उनको बता ही सकता है, करना प्लेयरों नहीं है। बॉलिंग में वकार भी बता सकते हैं, अपना मुशी भी बता, ओवरऑल कोचिंग में मिसबा बता सकता है, लेकिन एट एंड ऑफ द डे करना प्लेयर्स ने है, जिम्मेदारी प्लेयर्स की, उन्होंने करना है, परफॉर्म उन्होंने करना है। पाकिस्तान की 14 रुकनी मैनेजमेंट में सुपर स्टार्स हैं, वकार यूनुस, यूनुस खान, मिसबाउल हक, मुश्ताक अहमद, बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। लास्ट टाइम जब मैंने निज़ामुल हक का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी जब इतने बड़े पाए के खिलाड़ी होते हैं तो आपस में बातचीत अगर इग्नोर हो जाए तो उनको बुरा भी लग सकता है। आपको क्या लगता है, ये अच्छा रहेगा तजर्बा? देखें ये गए हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि इंजमाम भाई का एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने कोई बात की एक्सपीरियंस से की है, बाकी अल्लाह करे ऐसी कोई चीज़ ना हो, सारे मिल के रहें। और गेम में इतना लंबा टूर होता है, मेरा मकसद है 2-3 महीने का टूर है, इकट्ठे रहना, ये एक अच्छी चीज़ है कि टीम के साथ बड़े बड़े प्लेयर हैं और जो उनके पास तजर्बा है वो अपने प्लेयर्स को वो देंगे। अच्छा यूसुफ भाई, ये जो हमारा एक तजर्बा किया कि हेड कोच जो है वो चीफ सेलेक्टर होगा, रीजनल कोचेज जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, समझते हैं कि ये मुनासिब अमल है या ये दो पोस्टें अलग होनी चाहिए? देखिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग, देखते हैं क्या होता है, तजुर्बा कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। हो सकता है कि अगर ये कामयाब हो गया तो चलता रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड इसको चेंज कर दें। कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं कभी
कि वो चेंज ना हो सकती हो, सारी चीज़ें हो भी सकती हैं और चेंज भी हो सकती हैं, आप चलता भी रह सकता है। तो ये एक तजर्बा है, देखें अगर काम कर गया तो ठीक है, क्योंकि फिर अक्सर ये भी होता है कि कोचेस कहते हैं मैंने सेलेक्टर को ये कहा था, सेलेक्टर कह रहे मैंने ये कहा, शायद इस वजह से उन्होंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए किया हो, लेकिन देखते हैं कितना कामयाब होता है। ठीक है, ये तो भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, हमारे बैट्समैन जो हैं आखिर क्या गलती कर रहे होते हैं? आप ज़ाहिर देखते होंगे तो आपको समझ आता होगा, फुटवर्क में इनके मसला है, इनके स्टार्स में मसला है। अब हमारे ज़्यादातर बैट्समैन बैट बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप जो है वो एक बैलेंस तरीके से लेके चलते थे, तो कहाँ समझ क्या रहे हैं हमारे गलती कहाँ पे हो रही है आखिर? मुझे लगता है कि T20 की वजह से क्रिकेट थोड़ी तेज़ हुई है, शायद उसकी वजह से लड़के जल्दी करते हों, पेशेंस की कमी आई हो, टेक्निक पे इतना काम नहीं हो रहा होगा, अपनी टेक्निक पे इतना काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि T20 में थोड़ा तेज़ खेलना होता है, जल्दी करनी होती है, टाइम ही नहीं मिलता। बहुत कम लोगों को, मैं कहूँ ओपनर्स या वन डन को थोड़ी 30-40 बॉलें मिल सकती हैं, जो पीछे आते हैं 4-5 पे उनको तो मेरा ख्याल 10-15 इतनी बॉलें। अब इस पे वो क्या अपने आप को सेट करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने तो आके 10-12 रन की एवरेज से खेलने की कोशिश करनी है, तो मेरा ख्याल शायद इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर ये दूसरी साइड पे देखें कि इसमें हम प्रॉपर तरीके से भी खेल सकते हैं, जैसे अपनी टीम के प्लेयर है बाबर आजम, दूसरी टीमों के आप देखें कोहली है, रोहित शर्मा है, विलियमसन है, जो रूट है, स्मिथ भी अब खेलना शुरू हो गया T20, तो वो सब अपने आप को जो है ना जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं, T20 में T20 की तरह खेलते हैं, वनडे में वनडे की तरह, टेस्ट में टेस्ट की तरह, वर्स स्टाइल प्लेयर होते हैं। तो बाबर आजम को देखें, हर तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में है, इसी तरह कोहली है, रोहित शर्मा है, ये सारे अपने आप को आप एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बाद लोग इतनी कोशिश ना कर रहे हो जितनी ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरों को भी ये करना चाहिए। जैसे अभी हमारा एक लड़का आया हैदर अली, उसका नाम आया था इंग्लैंड टूर के लिए, तो मेरे से किसी ने पूछा था, तो मैंने उस वक्त भी उसको यही कहा था कि हमने ऐसा प्लेयर बनना है जैसे बाबर आजम है, कोहली है, विलियमसन है, जो रूट है, आप यंग हैं, आप सीख सकते हैं। और क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा देखा नहीं खेलते हुए, क्योंकि T20 से उसको ले रहे हैं, शायद एक दो मैंने उसकी T20 की शॉट्स देखी थी, उसमें मुझे लगा था थोड़ी जल्दी करा, लेकिन वो T20 है, आगे उसने बड़ी क्रिकेट भी खेलनी है, वनडे भी है, अगर टेस्ट भी खेलता है, तो अपने आप को एडजस्ट करना है हर सिचुएशन के हिसाब से। समझते हैं कि आपकी PSL की राह में, मतलब किसी भी सूरत में, किसी भी शेप में आप PSL में होने चाहिए थे, तो क्रिकेटर्स ही कई रोड़े अटकाते हैं, वही होता है ना कि पलट के जो देखा अपने ही यारों से मुलाकात हुई, कह सकते हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि आप देखें कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद ही इतनी किसी ने परफॉर्मेंस दी हो, क्योंकि मैं लोकल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और मेरा ख्याल है शायद ही किसी के पास, इतने बैट्समैन के पास किसी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, और मेरा ख्याल है वन डेज में देखें तो दूसरे नंबर पर रन गेटर हूँ मैं, और सेंचुरीज देखी जाएँ तो पहले नंबर पर समझ लें वनडे में, क्योंकि सईद भाई तो कहीं आते ही नहीं, सईद भाई की 20 सेंचुरी है, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं आते, मैं ही रह गया हूँ। अब मेरे बाद कोई रिकॉर्ड मेरा तोड़ेगा वो बाबर आजम है, और उसके अभी करीब और कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अभी तक सेंचुरीज मेरी ज़्यादा है वनडे में एवरेज मेरी, जो आप देखें लास्ट जो भी गुजरे हैं उनमें मेरी ज़्यादा है, अब समय से बाहर है कि उन्हें चाहिए कौन सा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो आपको अफसोस होता है कि आप जैसा ब्रांड PSL जो पाकिस्तान का क्रिकेट का ब्रांड है उसमें नज़र नहीं आता, खुद को अफसोस होता है? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर उनका बहुत नुकसान है, उनके लिए बहुत नुकसान है ये बात। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि PSL वाले ये सोचते होंगे आप बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे इसलिए आपको नहीं लेते ये PSL वाले? ऐसी बात नहीं, बहुत से जो बाहर से आ रहे हैं वो ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे, मुझे पता है कि आप कभी भी पैसों में बात नहीं करते, है ही नहीं, मुझे पता है, लेकिन ये जो फ्रेंचाइजीज हैं पैसों का चक्कर नहीं है ये, तो इनका अपनी कोई सोच हो सकती है इनकी। क्या आपको जितने बड़े आप बैट्समैन थे, जितने लेजेंडरी बैट्समैन थे, क्या बाकी जो इससे पहले के क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने आपको ड्यू रिस्पेक्ट दी, या आप समझते हैं कि आपकी जो रिस्पेक्ट थी उसमें इन्होंने डंडी मारी है सबने? देखिए
कह सकते हैं आप कि इन्हें यूज करना चाहिए था हमें, जैसे इन बोर्ड ने आके यूज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, जैसे रिसेंटली अभी यूनस को लिया है, वकार भाई हैं, मुशी भाई हैं, सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और सकलैन को लिया है। बहुत बड़ी ये बात है कि सकलैन को हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही थी, पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही थी, न्यूजीलैंड ने उसको अपने साथ रखा, वेस्ट इंडीज़ ने रखा, इंग्लैंड ने रखा, अभी वर्ल्ड कप की टीम में वो साथ था उनके, तो सब उससे फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये जो अपॉइंटमेंटें हुई हैं, इससे आइडिया हो रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ बेहतरी करना चाह रहे हैं, और सीरियसनेस नज़र आ रही है। और एक दो इंटरव्यू मैंने सुने वसीम खान के, वो भी उसमें भी उनकी बातों से लग रहा है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी तक की जो भी सुना रही हो उसमें ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। यूसुफ भाई, इस बोर्ड की तो तारीफ़ चले आप सही कर रहे हैं कि ये करने जा रहे हैं, लेकिन माजी वालों ने जो आपके साथ ज्यादती की उस पर आप जो है ना बोल नहीं रहे, वो तो बताएं ना कि आप जैसे एक क्लेवर का बैट्समैन, उसको सिर्फ ये नहीं कि कोचिंग देना, एक ड्यू रिस्पेक्ट भी होती है। पाकिस्तान के अजीम तरीन बैट्समैनों में आपका शुमार है, लेकिन हमेशा आपको जो है वो दीवार के साथ लगाया गया। पर वो ये दीवार के साथ इसीलिए लगाया गया है ना कि वो किसी जगह पे लाना नहीं चाह रहे ना। मेरा मकसद है कि हमें यूज़ करेंगे तो ये नहीं कि हमारा फ़ायदा होगा, इसमें बच्चों का भी फ़ायदा होगा ना। आप दूसरी कंट्रीज़ में अगर देखें, राहुल ड्राइविड जैसे ही रिटायर हुआ, उन्होंने उसको अंडर 19 दे दी, अंडर 19 की टीम उसकी देखें कहाँ पहुँच गई है, अभी भी फाइनल खेल रहा है, उससे पिछला उन्होंने फाइनल जीता था अंडर 19 का, अब वो अकेडमी का हेड है। तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं अपने प्लेयर से, जो बड़े प्लेयर हैं वो फ़ायदा, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो टैलेंट है, एबिलिटी है, वो बच्चों में वो मुंतकिल करें, और वो कर रहे हैं कोशिश। इसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो है वो टैलेंट पे और एबिलिटी पे लोगों को अपॉइंटमेंट करें। तो ये थोड़ा सा राय है कि पता नहीं क्यों उन्होंने, मैं अपनी बात क्या करनी, कहीं देखें सकलैन को नहीं लिया हुआ था और कितने लोगों को नहीं लिया हुआ था। तो यूसुफ भाई, क्या पैसे ज्यादा मांगते थे जो आपको नहीं लगते हो रहा था? नहीं, पैसों की बात तो कभी भी नहीं हुई, पैसों की बात मैंने कभी भी नहीं की। बल्कि लास्ट ईयर मुदस्सर भाई ने मुझे बुलाया था अकेडमी में, और ये अंडर 19 या अकेडमी के लिए मुझे उन्होंने कहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था आप कितने पैसे लेंगे, मैंने कहा आप खुद बता दें, तो उन्होंने कहा जी हमारा बजट नहीं है, हमारे पास पैसे बहुत कम है एकेडमी के लिए। मैंने कहा जो आपको समझ आती है वो बता दें, उन्होंने मुझे एक फिगर बताई, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर क्या वजह बनी कि लो बजट में भी आप काम करने के लिए तैयार थे, फिर भी आप बोर्ड में नहीं आए? हो सकता है कोई उस टाइम माइंड ना बनाओ, ये भी हो सकता है माइंड ना बनाओ, या उस वक्त लोगों को आप पसंद नहीं थे, उस वक्त के जो काम थे उनको पसंद नहीं थे, या माइंड नहीं बना? ये भी हो सकता है, कोई ना भी पसंद करता हो, ये भी होता है, पसंद ना पसंद भी चलती है, लेकिन बहरहाल कोशिश की मुदस्सर भाई ने। अच्छा यूसुफ भाई, बात आपने खुद कहा कि जब टीवी पे बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं, राहुल ड्राविड की आपने एग्जांपल दी कि इंडिया की क्रिकेट को जो है वो कहाँ पे बुलंदियों पे लेके चला गया, अब मोहम्मद यूसुफ जैसा अजीम बैट्समैन क्या पाकिस्तान टीम की तरफ देख रहा है कि उसने पाकिस्तान टीम की कोचिंग में जाना है, या आप भी चाहते हैं कि अंडर 19 टीम मिले आपको, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कहाँ आपने गोल सेट किया कि मैंने यहाँ आके काम करना है और पाकिस्तान को अपने से ज़्यादा अच्छे बैट्समैन जो है वो प्रोवाइड करने हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड को कहाँ ज़रूरत है, हमें तो जो अपनी डिज़ायर भी तो चीज़ें दी है, हमें वो पता है कि हमने ये डिज़ायर अपना अपनी जगह है, हम अगर पाकिस्तान टीम में जाएं, अंडर 19 में जाएं, एकेडमी में जाएं, बात एक ही, हमने लड़कों को टेक्निक के बारे में बताना है, बैटिंग स्किल्स जो है वो बेहतर करने की बात करनी है, मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचाना भी है और टीम को भी लेके चलना है, ऐसी बातें आपको तीनों जगहों पे ऐसी बात करनी है, प्लेयर्स को बनाना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको ग्रूम करना है, ये हर जगह पे एक ही चीज़ है, जॉब एक ही है, लेकिन वो जो आप कह सकते हैं कि जगह डिफरेंट जगह है, लेकिन जॉब एक ही है, जो क्रिकेट हमें पता है, जो अल्लाह ने हमें सिखाया है, जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है, सारी चीज़ें हैं वो हमने आगे डिलीवर करनी है, वो कहीं भी हो, और जहाँ क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को ज़रूरत है वह हम तैयार हैं काम करने के लिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कहीं ना जाइएगा, मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट से मुतालिक बहुत सारे इनसाइडर्स अभी उनसे डिस्कस करना बाकी हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक, मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तीखी बातें हम
दोबारा से करते हैं। युधवाई, अगर हम आपकी बात करें, क्या पाकिस्तान टीम का सफ़र एज अ खिलाड़ी फिर कप्तान तक जाना और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का करियर, क्या आसान सफ़र था ये? देखिए, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन ये कि इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है और अल्लाह पाक उसमें उसकी मदद करते हैं। और ये नहीं कि जो नहीं बेचारे कामयाब हो पाते तो वो मेहनत और कोशिश नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह चाहे आगे ले जाए उस वो तो अल्लाह के हाथ में। और मेरी गुड लक ये थी कि मैंने अभी जैसे आपको सारे प्लेयर गिनवाए हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर थे उस टाइम, उनके साथ मुझे मौका मिला खेलने का। और जब आप किसी बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो उनसे फिर आप चीज़ें सीखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ इंजमाम भाई और सईद भाई के साथ, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी बैटिंग को बहुत फ़ायदा हुआ था। कप्तान क्या समझते हैं आप, बतौर कप्तान पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व नहीं कर सके? आप जैसा प्लेयर जो पूरा पूरा मैच लेके चलता था, पाकिस्तान टीम एक वक्त में आप पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी, कप्तानी आपकी बड़ी कम रही, क्या वजह बनी उसकी? वह लगता है कप्तानी किस्मत में नहीं थी, इसलिए जो थोड़ी बहुत जो मिली थी वो की है, उसमें कहीं कामयाब भी हुए हैं कहीं हुए हैं। तो बहरहाल कप्तानी कोई मैटर नहीं होता, असल तो ये है कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं। बहुत ऐसे प्लेयर हैं बड़े बड़े कि वो कप्तान नहीं बन सके, और जो थोड़े नॉर्मल होते हैं वो बन जाते हैं और बहुत कामयाब भी हो जाते हैं उसमें। तो ये कोई ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, असल तो ये है कि आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, खेल कैसे रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो भाई 2009-10 की बात है, आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, यूनुस खान ने 3 वनडे के बाद जो है वो कप्तानी से हट गए थे, तो आखिरी 2 वनडे मैचेस में आपने कप्तानी करनी थी, एक में आपने कप्तानी कर ली। जो आखिरी मैच था उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपना कहा कि हमें इंजरीज हैं, हम आराम लेना चाहते हैं, आपके भी घुटने का पहले से कोई मामला था कि आपने भी कहा था कि मेरे घुटने का मामला है, फिर शाहिद अफरीदी को कप्तान अनाउंस कर दिया गया, तो उसके बाद वो सारे जो कह रहे थे कि हम नहीं कर रहे हम आराम करेंगे, वो सारे खेलने के लिए तैयार हो गए। आप भी दोबारा खेलने चाहते थे एज कैप्टन, लेकिन आपको नहीं किया गया, वो ज़रा रिकॉल करेंगे? यार ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन एक चीज़ थोड़ी करेक्ट कर दूँ कि उस सीरीज में कैप्टन मैं ही था, उसमें किसी और ने कप्तानी नहीं की थी। वो आखिरी मैच जो था वो अफरीदी ने की थी, बाकी वो पूरी टेस्ट सीरीज़ मैंने की थी, वनडेज मैचेस मैंने किए थे। आखिरी मैच में जो आपने स्टोरी बताई है इसमें अफरीदी था। बहरहाल ये बातें गुजर गई हैं, इसको मेरा ख्याल गुजर जाना चाहिए, आगे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे चलना चाहिए। नहीं तो ये हुआ था कि खिलाड़ियों ने आराम मांग लिया, जैसे ही अफरीदी को कप्तान बनाया तो वो सारे तैयार हो गए खेलने के लिए, हुआ था क्या? कह सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इस बात को अब मेरा ख़त्म कर दें तो अच्छा है, क्योंकि अब पुरानी बातें खोलना अच्छा नहीं है, आगे चलना चाहिए। बहुत टाइम गुजर गया इस बात को, 10-11 साल हो गए। ये तो भाई जब पाकिस्तान लेवल पे टीम होती है, क्या वहाँ पे जाहिर है तल्ख कलामी हो जाती है, चलो वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, क्या खिलाड़ियों के दरमियान फिज़िकल जो है वो होनी चाहिए, कोई फाइट या नहीं होनी चाहिए, ये बैड इम्पैक्ट देती है? देखिए, जहाँ आप एक घर में रहा वहाँ भी कुछ हो जाता है, तो जब आप टीम में होते हैं तो 8-9-10 महीने इकट्ठे रहना होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी जाए तो वक्ती तौर पे होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। और मेरा नहीं ख्याल जितनी देर मैं खेला हूँ 10-12 साल कभी कोई हाथापाई ऐसी चीज़ तो कोई नहीं हुई। वैसे किसी की हो जाए वो एक अलग बात है। 2003 गालिबन था, श्रीलंका में आप थे, दम्बोला में थे, मैच से पहले फुटबॉल मैच के दौरान आपकी और शुएब अख्तर के दरमियान क्या हाथापाई तक बात पहुँच गई थी किसी बात पर? फुटबॉल खेलते हुए और जी फुटबॉल खेलते हुए कोई पर्सनल कोई फुटबॉल में वो फुटबॉल गेम ही ऐसी इसमें कभी कभार हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सेट था ना, कोई ऐसा मसला नहीं। वो तो हाथापाई तक बात पहुंच गई थी क्या? मसला नहीं है वो, तो वो हाथापाई क्या होनी है, बस वैसे ही गुत्तम गुत्ती बस, और क्या हाथापाई इधर क्या, मेरा मकसद काम कोई फाइटर थोड़ी है दोनों। शाहिद के और आपके ताल्लुकात कैसे रहे यूसुफ भाई? आप दोनों ने माशाल्लाह पाकिस्तान को लंबा अरसा सर्व किया है, कैसे रहे, कुछ आपस में हो जाती थी कभी कभार? अरे कभी भी हमारी, मेरा मकसद है पर्सनल चीज़ कोई भी नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो शायद से मेरी बात होती रहती है, और शायद भी कॉल करता है अभी। वो उसको जब ये कोरोना का आया था तो मैंने उसको कॉल भी की थी, उसको ट्विटर पे भी उसको मैंने कहा था कि जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह,
फिर उसके रमज़ान में उसके घर में मैंने इफ्तारियाँ की हैं, तरावी पड़ी हुई है। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात कर लें अच्छी यादों को आपकी लेके, तो कौन थी वो साल जिस साल आपने बहुत ज़्यादा रन बनाए थे, वो अच्छा साल था या और कोई मोमेंट था या लॉर्ड्स की डबल सेंचुरी थी? काफ़ी आपके तो हम जो भी रिकॉल करें तो हमारे पास तो बहुत सारी लिस्ट है। आपको खुद को यूसुफ को कौन सा अच्छा लगता है? वैसे तो आपने सारी चीज़ें बताई दी हैं, ये तो है कि जहां आप रन्स करेंगे जिस मैच में वही अच्छा है, बाकी सब गलत है। तो जहां जहां रन्स किए हैं वो तो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, जैसे लॉर्ड्स बता दिया आपने, फिर एमसीजी में मैंने 100 किया था बॉक्सिंग डे पे, इंग्लैंड में 3 सेंचुरियाँ थी बल्कि, और न्यूजीलैंड में एक मैच ऐसा था कि उसमें सेंचुरी नहीं थी लेकिन ईच इनिंग मेरी 58 थी लेकिन अच्छी 80s था, टेस्ट मैच जीते थे। फिर एक केपटाउन में इनिंग खेली थी, वो टफ विकेट थी, सिचुएशन टफ थी, वहाँ मैंने 88 किए थे, टॉप स्कोरर था, तो वो भी इनिंग थी। बहुत सी इनिंग्स ऐसी हैं कि अब कितनी आप कर सकते हैं, इतने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। बहरहाल इसमें यही कह सकते हैं कि जहाँ ज़्यादा रन हो जाए वही सही इनिंग है। आपने वो दौर भी देखा जब पाकिस्तान मैच फिक्सिंग की वजह से, चाहे वो 90s का दौर हो चाहे वो 2000s का दौर हो, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। ये दोनों अदवार को अगर आप डिस्कस करें, जो 90s की फिक्सिंग के स्कैंडल्स के बाद पाकिस्तान टीम पे तनकीद होती थी, फिर 2000 में जब सलमान भट्ट और आसिफ वगैरह वाला मामला हुआ था, तो कितनी एम्बेरसमेंट फील होती थी? और शेब भाई सारे मेरे से पूछनी चीज़ें भाई किसी और के लिए भी रख लो, ये मुश्किल से क्वेश्चन मुझे ही करने सारे। देखिए एक तो मेरा अपना एक अपनी राय है और मेरी अपनी सोच है, क्योंकि जितने भी फिक्सिंग की बातें होती हैं हमारे सामने कभी हुई नहीं, मेरे सामने हुई नहीं कोई फिक्सिंग, तो मैं उस पर क्या तबसरा करूँ? एक चीज़ आपके सामने हुई नहीं है उसका ये तो भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके सामने फिक्सिंग हुई या नहीं हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उस वजह से जो तनकीद का सामना करना पड़ता था पाकिस्तान टीम को, जाहिर है पूरे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान टीम को शक की निगाह से देखा जाता था, वो फीलिंग्स पूछना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो टाइम किसी पे भी मुश्किल आ सकता है, और मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल वक्त में अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, अब उसने किया या नहीं किया ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उस बंदे के साथ हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि अब किया या नहीं किया ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन कोई जब मुश्किल में हो तो उसका साथ देना चाहिए, उसको बेहतर चीज़ें बतानी चाहिए, उसको दिलासा देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि अगर किसी वजह से कुछ हो गया है तो नेक्स्ट टाइम इससे बचना कैसे है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। बाकी हर इंसान दुनिया में जो भी लोग हैं, कोई अच्छाई भी हैं बुराइयां भी हैं, ये सब चीज़ें साथ ही चल रही होती हैं, तो अगर कभी कोई इल्ज़ाम लगे भी हैं तो उसमें क्या है, ठीक है सब दुनिया में होता है, सारी जगहों पर होती हैं चीज़ें, इल्ज़ाम लगते भी हैं, चीज़ें भी होती हैं, आप देखें बहुत से मुल्कों के लोगों पर बैन भी हुआ है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो भाई आपको अपने पूरे करियर के दौरान कभी किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की, या आप बस आपका एक ऐसा इमेज था कि कोई करीब भी नहीं आया कि आके कोई गलत ऑफर कर सके आपको, या आपने कुछ रिपोर्ट कर दिया अगर किसी ने ऑफर? अल्लाह ने बचा लिया है, नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, अल्लाह ने बचा लिया बस ये कह सकता है। 2007 के वर्ल्ड कप में यूसुफ भाई आपको पिक नहीं किया, फिर आप ICL चले गए थे और फिर आपने दोबारा वापस आए और आकर खेला, तो ये वाला पीरियड आपकी लाइफ का कैसा रहा, आप समझते हैं कि बड़ा टफ टाइम था? 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात, जी बड़ा वर्ल्ड कप खेल के आए थे, जी वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए सिचुएशन, वो बहुत डिसअपॉइंटेड था वो मेरे लिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वनडे और टेस्ट दोनों का अगर आप मेरे रिकॉर्ड देखें 2001 से लेके 2006-07 तक, तो मेरा टॉप क्लास रिकॉर्ड था मेरा उस टाइम, पाकिस्तान में कोई भी इतने रन्स किसी की भी इतनी एवरेज नहीं थी, किसी ने भी इतनी सेंचुरियाँ नहीं बनाई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी थे उसमें 3, और उसके बावजूद जब मुझे उन्होंने ड्रॉप किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मेरे से अगर अच्छे कोई प्लेयर चले जाते तो फिर भी बात समय में आती है, ऐसा भी कोई नहीं हुआ, वो बहुत डिसअपॉइंट था मेरे लिए। और मेरा ख्याल है कि वो एक टाइम था जहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे आना शुरू हुई है, अगर वहाँ हम लोग सही डिसीजन कर लेते तो हमारी टीम बहुत बेहतर हो जाती, जैसे इंडिया ने ये 2007 के बड़े वर्ल्ड कप के बाद डिसीजन हुए थे, जी अगर आप देखें इंडिया भी पहले राउंड में हार के आया था, हम लोग भी पहले राउंड में हार के आए थे, इंडिया ने बेहतरीन डिसीजन किए, उनकी टीम आज देख लें कहाँ पहुँच गई, हमने गलत डिसीजन किए उस टाइम, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों किए हैं जो भी डिसीजन लिए उस वक्त, उसकी वजह से हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे ही चली गई है।
सौरभ गंगोली का और आपका क्लिप आज भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है, वो पाकिस्तान और आपकी आपस का मैच था, सीरीज थी इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें आपकी एल्बो टेनिस एल्बो ब्लीड भी कर रही है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो अपना, तुम उसके जो एग्जैक्ट वर्ड है, तू टाइम दे मरूंगा मैं, ये सारा मामला था। अब देखिए ये तो प्रेशर डालना था, उसको भी पता था कि जब ऐसे किसी को इंजरी होती है जो टाइम होता है वो आउट हुआ होता है, उस टाइम को नहीं कैलकुलेट करते, तो वो तो उसको भी आइडिया था, वो ऐसे ही प्रेशर डाल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ सीरियस मामला नहीं था, वो शुगल में भी हो सकता है, और वैसे जैसे हम लोग कोई प्लेयर सेट खेल रहा होता है उसको आउट कराना होता है या कोई जल्दी करानी होती है तो उसको ग्राउंड के अंदर हम बातें करते हैं उल्टी सीधी, पहले तो स्लेजिंग भी बहुत चलती होती थी पहले दौर में, अब तो खैर नहीं थी बाद में, लेकिन ये सारी चीज़ें टैक्टिक्स होती हैं किसी प्लेयर को आउट करने के लिए, तो उसमें कोई ऐसी कोई वो बात नहीं थी, बस प्रेशर डाल रहा था वो। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादा जो है वो टॉन्ट करते हैं या इंडियंस ज़्यादा टॉन्ट करते हैं जब पाकिस्तान इंडिया मैचेस होते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर गेम्स होते हैं, जैसे आपने कहा ये टैक्टिक्स होता है सेटल बैट्समैन को आउट करने का? अब का तो मुझे पता नहीं, पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे, अब मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, क्योंकि अब काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे तो 10-11 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन पहले बहुत प्रेशर होता था हमारा। तो आपकी क्या ड्यूटी होती थी इस वाले पार्ट में, आपकी ड्यूटी क्या होती थी पाकिस्तान इंडिया से मैच हो तो किस तरह टीज करना है, रिलैक्स होकर बात करें यार कोई यूसुफ भाई? वो तो ग्राउंड की बातें होती हैं, ग्राउंड तक रह जाती हैं, दोनों टीमों से होती हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा करते होते थे, और किस तरह की बातें कर रहे होते थे ये नहीं बात कर सकते ना, जिसको कहते हैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते ये बातें। अच्छा, बातें सारी शुगल की होती हैं ऐसी। क्या समझते हैं कि आपके ज़माने में जो क्रिकेट थी वो टफ क्रिकेट थी या अब जो क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है? क्योंकि आपने जब क्रिकेट शुरू की तब थोड़ी क्रिकेट स्लो थी, अगर टीमें 250 रन भी बना लेती थी तो कोई मसला नहीं है, अब की क्रिकेट में 400 से ऊपर रन भी जो है वनडे में जो है वो चेस हो जाते हैं, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मैं हवाला दे देता हूँ। तो क्या समझते हैं कि अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है और बहुत मुश्किल हो गई है, या आपके ज़माने में क्रिकेट ज़्यादा मुश्किल थी? देखिए अगर आप वही रूल्स रहने देते और फिर कोई 400 रन बनाता कोई टीम या कोई रन्स पे रन्स बना रहे होते तो फिर बात समझ में आती है। रूल्स चेंज होने की वजह से क्रिकेट बहुत आसान होगी बैट्समैनों के लिए, दो नए बॉल लगते हैं, 5 फील्डर हर वक्त अंदर रहते हैं 40 ओवर तक, और विकटें आपने देखें 2007 के बाद जब से T20 शुरू हुआ है विकटें बहुत डेड हो गई हैं, आपको स्पॉन्सर्स की तरफ से मेरा इंस्ट्रक्शन होती है शायद जिनके स्पेशली टीवी राइट्स में ये लगता है कि वो कहते हैं कि ऐसी पिचेस बनाएं कि जिस पे 400 रन्स बने ताकि उनका जो एयर टाइम है वो बिके और चौके छक्के लगे, लोग देख रहे हैं मज़ा आए। पहले ऐसे नहीं था, पहले रूल्स ये नहीं थे, एक बॉल लगता था वो 12-13 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होता था, बैट पर सही तरह नहीं आता था, हाँ विकेट्स इतनी डेड नहीं होती थी, होती थी डेड लेकिन इतनी डेड नहीं होती थी कि आपका ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में अब 400 रन्स बन जाते हैं जहाँ 200 रन्स बनाने मुश्किल हो जाते थे। तो थोड़ा ये अगर रूल्स वो हों और ऐसे रन्स बन रहे हो फिर हम कहेंगे जी इनकी क्रिकेट हमसे बेहतर है, लेकिन इस तरह के रूल्स के साथ मेरा ख्याल है कि हमारे टाइम की क्रिकेट को इनके साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है, ना हमारे टाइम के प्लेयर्स को इनके साथ कंपेयर करना ठीक है। ये आज के दौर के हिसाब से जो 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 कुछ कर रहा है, जैसे कोहली आज के दौर के हिसाब से टॉप प्लेयर है, नंबर वन प्लेयर है, और स्मिथ की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में देखें आपके दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया वो रैंकिंग में, पॉइंट्स में जो है, तो आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल थोड़ा सा चले इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अभी आपने जैसे कोहली की एग्जांपल दी, चलें मैं समझ गया, लेकिन इसको इस तरह कर लें, अगर जैसे आपने अभी कहा कि कोहली आज के दौर के हवाले से बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर यही कोहली आपके दौर में होता, 90s में होता, 2000s में होता, तो क्या तब भी नंबर वन होता? नहीं, ये देखिए ये मैंने पहले ही कहा है कि अगर उस सिचुएशन में खेलेंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो नहीं कोई कह सकता ना कि मैं अब कहूँ जी मैं बिवरिचर्ड और उनके दौर में खेलता, वहाँ थोड़ा सा और सिचुएशन थी, मैं विव का रिकॉर्ड अल्लाह ने मेरे से तोड़ा, इसका ये मतलब मैं विव से अच्छा हूँ? विव तो मेरे और विव के ज़मीन आसमान का फ़र्क है, विव तो सदियों में एक आता है, हमारे जैसे प्लेयर कई आ रहे होते हैं, तो ये जब तक कोई इंसान उस एरा में खेलेगा नहीं पता नहीं चलेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन
अगर आप मेरे से पूछें आज के हिसाब से तो मैं कोहली को नंबर वन दूंगा। ये बताइएगा आपने जिन कप्तानों के अंडर में खेला, वसीम भी हैं वहाँ पे, इंजमाम भी हैं, कौन से कप्तान को आप कहाँ रेट करते हैं कि उस कप्तानी के अंडर में मैंने अच्छा खेला? मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे ने बुरा किया, लेकिन खुद आपने देखा होगा यार ये टीम बड़े अच्छे तरीके से लेके चले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी कप्तानों के अंडर खेला हूँ और रन ज़्यादा मैंने किए हैं वकार भाई की कप्तानी में। अगर आप देखें वन डाउन में, वन डेज की बात कर रहा हूँ, उनकी कप्तानी में मैंने वन डाउन गाता रहा हूँ, उसमें मैंने 52-51 की एवरेज से रन्स किए हैं वन डाउन की पोजीशन पे। वसीम भाई के साथ भी खेला हूँ, ज़बरदस्त कप्तान थे। राशिद भाई का मैं ज़रा एहसानमंद भी हूँ कि उन्होंने अपना जब डेब्यू मेरा हुआ था उनके साथ में गया था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में 97-98 में, तो पहले टेस्ट में मैं फेल हो गया था, उसमें ये खुद नहीं खेल रहे थे, आमिर भाई कप्तानी कर रहे थे, तो मैं डेब्यू टेस्ट था मेरा डरबन में, वो उसमें मैं 5-1 पे आउट हो गया था, लेकिन कप्तान चूँकि सीरीज़ के ये थे तो इन टेस्ट मैच के बाद इन्होंने मेरे से बात की कि घबराना नहीं अभी तुम्हें मैं दो मौके, एक मौका और दूँगा जो जिम्बाब्वे में हुआ। तो जिम्बाब्वे में उन्होंने मुझे कहा था ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा, अगर इसमें तुम कर गए तो तुम्हारी लक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ थी, अगर वहाँ मुझे वो मौका ना दोबारा देते तो शायद मैं हमेशा के लिए बाहर हो जाता। तो वहाँ अल्लाह ने मेरे से वो दो टेस्ट मैच थे वहाँ 350 किए मैंने और दो वनडे थे, उन दोनों वनडे से मैंने 50 किया था, तो वहाँ से अल्लाह ने फिर मुझे वो किया। और 3-4 साल मैं इंजमाम भाई के साथ रहा हूँ, उनके दौर में मैंने बहुत रन्स किए, वो भी बहुत ज़बरदस्त कप्तान थे, कूल थे। अच्छा यूसुफ भाई ये बताइएगा कि मुल्की कोचिज़ और गैर मुल्की कोचिज़ दोनों आपने देखे, एज अ इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के अजीम प्लेयर, आप क्या समझते हैं हमें मुल्की कोचिज सूट करते हैं या गैर मुल्की कोचिज सूट करते हैं? क्योंकि गैर मुल्की जब जाते हैं तो जाके पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अभी देखें ना, फ्लार ने जो बयान दे दिया कि यूनुस ने छुरी रख दी, स्टीव रिक्सन गए वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बोलते रहे, मिकी आर्थर वो बोलते रहे, तो जो भी गोरा को चाहता है जाता है तो बड़े उंगलियां उठाता है पाकिस्तान टीम में। आपको क्या लगता है मुल्की कोच अच्छा होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या गैर मुल्की? ये देखिए मेरा एक्सपीरियंस रहा है बाबुल उमर के साथ भी और पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी। बाबुल उमर तो खैर मैं, मेरा ख्याल आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे वो आपको उसकी तारीफ ही करेगा। बाकी इन लोगों के साथ मैंने कभी मेरा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं ये बात भी मैंने प्रेस में पढ़ी है या मीडिया में सुनी है, तो ये चीज़ें तो सही नहीं है। आप एक जगह छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ की बात यहीं रहनी चाहिए, आपको उसको प्रेस में या मीडिया में नहीं करना चाहिए। यहाँ जो हो गया एक टीम है, एक फैमिली है। ख्वाहिश है आपकी कि पीएसएल का जो अगला एडिशन हो तो मोहम्मद यूसुफ किसी ना किसी कैपेसिटी में, किसी ना किसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा हुआ नज़र आए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड भी बड़ा हो और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, जैसे आपने कहा कि उनको फ़ायदा होगा, जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, तो ख्वाहिश है आपकी? जी बिल्कुल, मैंने तो देखिए हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के बच्चों को अगर हम कुछ डिलीवर कर सकें तो ये हमारे लिए ऑनर है। बहुत बड़ी क्रिकेट आपने खेली, साबित करके दिखाया अपने आप को, लेकिन हमारे कमेंट्रेटर रमीज राजा जो अभी यूट्यूब चैनल भी अपना चलाते हैं, वो जब आप प्लेयर थे तब भी तनकीद करते रहे, जब आप टीवी चैनल्स पे तबसरे कर रहे थे बतौर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट तब भी वो ज़ाती किस्म की तनकीद करते रहे। कुछ दिन पहले हफीज़ के मुतालिक कहा तो हफीज़ ने कहा कि कुछ लोग होते हैं वो कमर्शियल रेटिंग के लिए तनकीद करते हैं, क्या मामला क्या ये इस इश्क का आपके और रमीज राजा के? उनकी अपनी राय है, हर इंसान की अपनी राय होती है हर प्लेयर के बारे में। अगर वो उनको समझ आता है कि मैं नहीं ठीक खेलता, ये उनकी राय है, तो हर इंसान की अपनी राय है। मेरी राय कुछ और हो सकती, उनकी राय कुछ हो सकती, लेकिन ठीक है, जो ऑन द रिकॉर्ड हुई थी बात हमारी उस पर मुझे भी अफसोस है, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, पहले से खेले हुए हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए थी, दोनों तरफ से ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। मसला सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में चला गया था, तो अच्छा नहीं लगता, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, आप हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से आप विकेट पे रुक कर रन बनाते थे इसी तरीके से आज हमारे तल्ख सवाल जो हम इनसाइडर्स टीम के बारे में डिस्कस करना चाहते थे आपने उनका रुक कर जवाब दिया, यानी कि संभल कर जवाब दिया, दिल खोल कर बात नहीं की, लेकिन हमें यकीन है कि आने वाले प्रोग्राम्स में जब कभी आप हमारे साथ दोबारा बैठेंगे तो क्रिकेट पर खुलकर बात करेंगे, दिल के अंदर जो है वो सब कुछ बाहर लाएंगे। इजाज़त दें हमें आने वाले प्रोग्राम्स में, क्रिकेट में दिग्गज खेलों पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।